ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बीच बसे एक हलचल भरे महानगर में दुनिया की नजरों से छिपा एक असाधारण स्कूल खड़ा था। प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अकादमी अद्वितीय शक्तियों वाले बच्चों के लिए एक स्वर्ग थी, एक ऐसा स्थान जहां उनकी असाधारण क्षमताओं को अधिक अच्छे के लिए पोषित किया जाता था। एलेक्स, जिसका स्पर्श वस्तुओं को बर्फ में बदल सकता था, छात्रों में से एक था। एमिली अपनी टेलीकिनेटिक क्षमता के साथ मात्र विचार से वस्तुओं को हिला सकती थी। सारा सहानुभूति का उपहार रखने वाली लड़की मन और शरीर दोनों को ठीक कर सकती है। उनके दिनों की शुरुआत अनुभवी गुरुओं के मार्गदर्शन में कठोर प्रशिक्षण के साथ हुई। टेलीपैथिक प्रतिभा वाले प्रोफेसर रेनॉल्ड्स ने उन्हें अपनी मानसिक शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाया। पहाड़ जैसे मजबूत कोच रॉड्रिग्स ने अटूट समर्पण के साथ युद्ध प्रशिक्षण सत्र का नेतृत्व किया। शक्तियों में मतभेदों को पार करते हुए ब्रेक के दौरान मित्रताएं प्रस्फुटित हुईं। एलेक्स और एमिली अक्सर झगड़ते थे, उनकी क्षमताएं एक दूसरे को सीमा तक धकेल देती थीं। सारा इसमें शामिल हो गई। उसकी सहानुभूतिपूर्ण आभा ने उनकी लड़ाई की तीव्रता को शांत कर दिया। अकादमी के केंद्र में हॉल ओन ऑफ हीरोज था, जहां प्रसिद्ध पूर्व छात्रों की मूर्तियां छात्रों को महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती थीं। यह प्रत्येक बच्चे के भीतर दुनिया में बदलाव लाने की क्षमता का प्रमाण था। हालांकि ये सब ताकत और युद्ध के बारे में नहीं था, अकादमी ने सहानुभूति और समझ का महत्व बताया। उपचार करने की क्षमता से संपन्न प्रोफेसर हार्पर ने उन्हें करुणा का मूल्य और उनकी क्षमताओं के साथ आने वाली जिम्मेदारी सिखाई। जैसे ही सूरज डूबा, छात्र प्रांगण में एकत्र हुए और प्रकाश और ध्वनि के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। मौलिक नियंत्रण, टेलीकिनेसिस और सहानुभूतिपूर्ण उपचार ने मिलकर एक लुभावनी प्रदर्शन तैयार किया। फिर भी सब कुछ शांत नहीं था। शैडो कास्टर नाम के एक दुर्जेय खलनायक ने शहर को काली शक्तियों से डरा दिया था, जो सबसे मजबूत नायकों को भी टक्कर देती थी। अकादमी ने इन युवा नायकों को आसन्न अंधकार का सामना करने के लिए तैयार करने की चुनौती को स्वीकार किया। अपने अंतिम वर्ष में एक कठिन कार्य छात्रों का इंतजार कर रहा था, शैडो कास्टर के आसन्न हमले को विफल करने की योजना तैयार करना। प्रत्येक छात्र ने एक अपराजेय टीम बनाते हुए अपनी अद्वितीय क्षमताओं का योगदान दिया। एलेक्स ने उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया। एमिली ने उन्हें टेलीकिनेटिक रूप से आगे बढ़ाया और सारा की सहानुभूति ने उनके निर्णयों का मार्गदर्शन किया। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब शहर में अंधेरा छा गया, अकादमी के छात्र एकजुट हो गए और अपनी शक्तियों का भरपूर प्रदर्शन किया। एलेक्स की बर्फीली बाधाओं ने उनकी रक्षा की, जबकि एमिली की टेलीकिनेसिस ने सारा की सहानुभूतिपूर्ण अंतर्दृष्टि द्वारा निर्देशित होकर उन्हें खतरे से बाहर निकाला। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिससे शहर की नींव हिल गई, क्योंकि युवा नायकों ने शैडो कास्टर और उनकी दुष्ट ताकतों का सामना किया। शक्तियों के टकराव ने रात के आकाश को रोशन कर दिया, जो देखने वाले सभी लोगों के लिए आशा की किरण थी। अंत में दोस्ती और अनगिनत घंटों के प्रशिक्षण पर बनी उनकी एकता ही थी जिसने उन्हें जीत दिलाई। शैडो कास्टर हार गया और शहर बच गया। अनुभवी नायकों के रूप में अपनी पढ़ाई पर लौटते हुए छात्रों को पता था कि उनकी अद्वितीय शक्तियां दुनिया में अच्छाई के लिए एक ताकत थीं। उन्होंने शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वीकार की और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए अपनी असाधारण क्षमताओं का उपयोग किया।